पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस के सामने एक साथ समस्या आन पड़ी है। एक तरफ पंजाब पुलिस का दिमाग नहीं काम कर रहा है तो दूसरे तरफ दिल्ली पुलिस के पुलिसकर्मियों को अब समझ ही नहीं आ रहा है कि आगे करा क्या जाए। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से आप लोग देख रहे होंगे किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग और बम्बिहा गैंग के लोगों ने दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, तमाम पुलिसकर्मियों का जीना हराम कर रखा है। और अब दिल्ली पुलिस के सामने इतनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, जिस मुसीबत के बारे में जानने के बाद आप भी कहोगे कि भाई सच में दिल्ली पुलिस के पुलिसकर्मी और पंजाब पुलिस के पुलिसकर्मी भी अब पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे आखिरकार किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई का दुश्मन बम्बिहा गैंग के लोगों ने पंजाबी सिंगर बब्बू मान को जान से मारने का धमकी दिया है। दोस्तों, हाल ही में पिछले कई वीडियोस के जरिए मैंने आप सबों को बताया था किस तरीके से पिछले 5 से 6 महीने तक पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्लकांड से जुड़े मामलों का पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस मिलकर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन अब तक पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का इंसाफ नहीं मिल पाया है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को 29 मई 2022 को मार दिया गया था और उसके मारने के बाद अब पंजाबी सिंगर बब्बू मान को भी जान से मारने का धमकी दिया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे आखिरकार किस तरीके से पंजाब पुलिस, जो कि अब पूरी तरह से परेशान हो चुकी है। दोस्तों, पिछले कई महीनों से पंजाब पुलिस का दिमाग इस बात को लेकर खराब है कि पंजाब के अलग अलग जगहों पर गैंगस्टरों के द्वारा अलग अलग तरीके से गलत गलत हरकत करा जाता है। कहीं पर कुछ गैंगस्टर जो कि आतंकवादियों जैसा बिहेव करता है, तो कुछ ऐसे गैंगस्टर हैं जो कि पुलिस वालों के सामने ही गलत गलत काम करना शुरू कर देता है या फिर पुलिस वालों को ही धमकी देना शुरू कर देता है। अब दोस्तों, जिस तरह से पंजाबी सिंगर बब्बू मान को जान से मारने का धमकी दिया गया है, तो इस वक्त एक और बात सामने आ रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग, जो कि कहीं ना कहीं खुद को हीरो साबित कर सकता है। अब आप लोगों के मन में होता होगा कि भाई लॉरेंस बिश्नोई कैसे खुद को हीरो साबित करेगा। जी हाँ दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई खुद को हीरो साबित कर सकता है। अब देखो, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग इस तरीके से खुद को हीरो साबित कर सकता है क्योंकि कुछ समय पहले उसने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का कत्ल करवाया है। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ऊपर, जो कि पहले से ही बदनामी का धब्बा लगा हुआ है, ये लोग तो ऑलरेडी पंजाब में बदनाम हो चुका है, और जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई का दुश्मन बम्बिहा गैंग के लोगों ने पंजाबी सिंगर बब्बू मान को जान से मारने का धमकी दिया है, तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग, जो कि सिंगर बब्बू मान का रक्षा करेगा और इस तरह से वो पंजाब में और भी ज्यादा हाईलाइट हो जाएगा, लोग उसको हीरो बोलना शुरू कर देंगे, तो इस तरह से होगा ये कि पंजाबी सिंगर बब्बू मान का जान भी बच जाएगा और दूसरे तरफ यह होगा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग, जो कि पिछले कई महीनों से भूखे शेर की भांति बम्बिहा गैंग के लोगों को ढूंढ रहा है, तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों का एक ही मकसद है कि किसी भी तरह से बम्बिहा गैंग के शूटरों को टपकाना है। तो इस तरह से बम्बिहा गैंग के लोगों ने सिंगर बब्बू मान को जान से मारने का धमकी दिया है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग, जो कि बम्बिहा गैंग के लोगों से बदला लेना चाहते हैं, तो दोस्तों सिंगर बब्बू मान को तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन बीच में अगर लड़ाई होगा तो लड़ाई होगा बम्बिहा गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का। तो कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस के सामने एक सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि अगर सिंगर बब्बू मान को बचाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग आगे आते हैं तो कहीं ना कहीं गैंगवार की आशंका दिख सकती है, कहीं ना कहीं गैंगवार भी हो सकती है। तो पंजाब पुलिस को इस बात का चिंता है कि कहीं आने वाले समय में पंजाब में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग और बम्बिहा गैंग के लोग आपस में भीड़ ना जाए, तो इस वजह से पंजाब पुलिस के तमाम पुलिसकर्मी, जो कि पूरी तरह से परेशान है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे हम और भी कुछ कुछ चर्चा करेंगे पंजाब पुलिस के बारे में। फिलहाल हम चर्चा करते हैं किस तरीके से दिल्ली पुलिस के पुलिसकर्मी, जिनका कि अब दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि हाल ही में आफताब नाम का एक शख्स, जिसने अपने ही प्रेमिका श्रद्धा का गला दबाकर हत्या कर दिया, हत्या करने के बाद उसके शरीर के 35 टुकड़े किए और तमाम टुकड़ों को एक एक करके फेंक दिया। हालांकि ये भी बताया जाता है आफताब, जो कि उसके शव के टुकड़ों को तकरीबन 18 दिनों तक फ्रिज में रखा था। और दोस्तों, अब आफताब के बारे में एक और खुलासा हो गया है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि आरोपी आफताब, जो कि गांजा पीता था, दोस्तों गांजा के नशे के हालत में आफताब ने अपने प्रेमिका श्रद्धा का गला दबाकर कत्ल कर दिया। कत्ल करने के 5 से 6 महीने बाद इस बात का खुलासा होता है कि आफताब, जो कि अपने ही प्रेमिका श्रद्धा का गला घोंटकर उसका हत्या कर दिया। अब दोस्तों, सबसे अहम सवाल यह है कि क्या दिल्ली पुलिस, जो कि इस मामले की सही तरीके से तफ्तीश कर पाएगी। दोस्तों, दिल्ली पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि दिल्ली पुलिस को यह साबित करना है कि आरोपी आफताब ने किस तरीके से श्रद्धा को मारा है और श्रद्धा के कत्ल में केवल आफताब का ही हाथ है या फिर कोई दूसरा तीसरा अन्य व्यक्ति भी है, तो यह भी दिल्ली पुलिस को साबित करना है। हालांकि दोस्तों, आफताब ने श्रद्धा का कत्ल करने के बाद उसके शरीर के 35 टुकड़े किए
और 3500 टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। और अभी बताया जाता है कि दिल्ली पुलिस ने उन 3500 टुकड़ों में से 13 टुकड़ा को ढूंढ निकाला है। तो अब 13 टुकड़ों से ये पता लगाना है कि वो टुकड़ा जो कि सच में श्रद्धा के ही शरीर के टुकड़े हैं या फिर किसी जानवर का टुकड़ा है, ये भी हो सकता है। तो दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि आफ्ताब और श्रद्धा दोनों अलग अलग धर्म से थे। आफ्ताब जो कि मुस्लिम था, श्रद्धा जो कि हिंदू थी। और दोस्तों एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि जब श्रद्धा के पिताजी से हाल ही में पत्रकारों ने सवाल किया था कि क्या श्रद्धा और आफ्ताब के बारे में आपको पहले से पता था, तो दोस्तों श्रद्धा के पिताजी ने बताया कि मैंने जब पता किया तो ये पता चला कि मेरी बेटी श्रद्धा जो कि एक मुस्लिम लड़के से प्यार करती है। तो मैंने अपने बेटी को मना भी करा था, लेकिन मेरी बेटी जो कि मेरे बात को नहीं मानी और भाग करके दिल्ली चली आई। तो दोस्तों ये जो प्रेम कहानी था ये मुंबई से शुरू हुआ, दिल्ली में जाकर के इस प्रेम कहानी का द एंड हो गया और आखिरकार आफ्ताब ने अपने ही प्रेमिका श्रद्धा का गला घोंटकर हत्या कर दिया। तो दिल्ली पुलिस के सामने अभी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आफ्ताब को जो कि कातिल तो साबित करना ही है, हालांकि आफ्ताब ने कबूल भी कर लिया है कि उसने ही श्रद्धा का हत्या करा है, लेकिन अभी भी दोस्तों दिल्ली पुलिस को बहुत कुछ साबित करना है और पूरे भारतवर्ष के लोगों को दिल्ली पुलिस को जवाब देना है। इसीलिए दिल्ली पुलिस के सामने अभी सबसे बड़ी समस्या यह है कि दिल्ली पुलिस को अभी बहुत कुछ साबित करना है। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि आफ्ताब को आगे क्या किया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों फिलहाल दिल्ली पुलिस के अलावा अब हम चर्चा करते हैं पंजाब पुलिस के बारे में। दोस्तों आप में से मैक्सिमम लोगों को पंजाब का कहानी बड़ा पसंद आता है और जब भी चर्चा लॉरेंस बिश्नोई का होता है तो मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही आप लोग देखते हो वीडियो को, हालांकि हर किसी का वीडियो देखना चाहिए। तो दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस को अब इस बात का संदेह है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग जो कि सिंगर बब्बू मान का रक्षा करने के लिए हो सकता है कि बम्बिहा गैंग के लोगों के ऊपर हमला भी कर सकता है। अब दोस्तों आप में से बहुत कम ही लोगों को पता होगा पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला और पंजाबी सिंगर बब्बू मान दोनों के बीच जो कनेक्शन था वो थोड़ा अच्छा नहीं जम रहा था। तो सिंगर सिद्धू मूसेवाला और बब्बू मान के बीच बताया जाता है मन मुटाव रहता था। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का कत्ल करा और अब बम्बिहा गैंग का लोग खुद को हाईलाइट करने के लिए सिंगर बब्बू मान को मारना चाहता है। और दोस्तों सिंगर बब्बू मान जो है सो आज के समय में पंजाब का कोई छोटा मोटा सिंगर नहीं है, बल्कि काफ़ी फेमस सिंगर है। तो कहीं ना कहीं यदि बब्बू मान के साथ भी कुछ गलत होता है तो सिंगर बब्बू मान के साथ अगर कुछ गलत होता है तो उसके बाद पंजाब पुलिस के ऊपर तो सवाल उठेगा ही और एक बार फिर से पंजाब पुलिस के पुलिसकर्मियों को बांस हो जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल पंजाब पुलिस का सबसे बड़ा जिम्मेदारी यह है कि पंजाब पुलिस के तमाम पुलिसकर्मी जो कि कहीं ना कहीं इस मामले को और भी ज़्यादा शांत करें और सिंगर बब्बू मान को वो लोग सुरक्षित रखें और कहीं ना कहीं आगे पंजाब में गैंगवार ना हो तो इस गैंगवार को रोकने के लिए भी पंजाब पुलिस को पूरी तरह से अब सख्त तो रहना ही होगा। लेकिन दोस्तों आगे चर्चा करते हैं आखिरकार किस तरीके से दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस दोनों पुलिस की टीम जो कि अलग अलग तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों को, बम्बिहा गैंग के गुर्गों को, जग्गू भगवानपुरिया गैंग के गुर्गों को एक एक करके इन लोगों ने अरेस्ट करा था। लेकिन इस बीच दिल्ली पुलिस जो कि कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई के कत्लकांडों को शायद भूल चुकी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के सामने इतनी बड़ी समस्या आन पड़ी है कि दिल्ली पुलिस के दिमाग में अभी लॉरेंस बिश्नोई का नाम तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। अभी दिल्ली पुलिस के सामने सिर्फ एक ही चुनौती है कि कातिल आफ्ताब को सजा मिलना चाहिए। कातिल आफ्ताब ने जो गुनाह किया है उस गुनाह में कौन कौन से लोग शामिल है और कातिल आफ्ताब किसी मुस्लिम संगठन से भी जुड़ा हुआ है या फिर आतंकवादी संगठन से तो नहीं जुड़ा है, तो ये भी दिल्ली पुलिस को पता लगाना है। तो फिलहाल देखते हैं आखिरकार दिल्ली पुलिस जो कि क्या क्या करती है और पंजाब पुलिस जो कि आखिरकार किस तरीके से सिंगर बब्बू मान का रक्षा कर पाती है, ये भी अहम सवाल होगा। और दोस्तों मैं किसी भी वीडियो के माध्यम से किसी भी अपराधी के मन को बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, मैं प्रत्येक वीडियो के माध्यम से बस आप लोगों तक खबर पहुँचाता हूँ और मेरा कोशिश होता है कि आप लोगों को मैं एक सही संदेश पहुँचाऊँ और आप लोग कभी भी कुछ भी गलत करने के बारे में कभी भी ना सोचो, मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ। तो मेरा वीडियो देखने के बाद कभी भी गलत चीज़ ना सोचे, गलत चीज़ ना सीखे और कभी भी गलत करने के बारे में कभी भी ट्राई ना करे, ये बिल्कुल गलत बात है, कभी भी गलत नहीं करना है, अच्छा काम करना है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारा काम है आप लोगों तक खबर पहुंचाना और आपका काम है हमारी खबरों को सुनना और अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना, तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आशा करता हूँ कि आप लोगों की कृपा से बहुत जल्द सरकार मोटिवेशन फैमिली 1 मिलियन की हो ही जाएगी। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों।